वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज पहला तो सारी मीडिया के सज्जन का धन्यवाद है जो तुम पहुंचे हो खाल। मसला तकरीबन सब नूं पता है और मसले दीआं कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं अज जाहिर करनी है तां जो संगतां दे विच दुविधा खत्म हो जाए। देखो जदों दे असीं पंजाब च आए हाँ असीं धर्म का प्रचार नशियां दे खिलाफ एक वड्डी लड़ाई शुरू की है, अमर संचार की मुहिम शुरू की है और इस दे नाल जिहड़े नशे दे सौदागर सन सरकार ही जिहड़ी सरकार सिखां दी मुड़ तों वैरी आ हुकूमतां उह ते साडी विरोधी बणियां बणियां पर कुछ पंथक धिरां भी साडे विरोध च खड़ गई क्योंकि उन्हां नूं इह चीज़ बर्दाश्त नहीं भी किसी कल दे नौजवान नूं कोई पंथ दे विच स्पेस मिले वह भी इन्नी छेती ते कौम उस नौजवान नूं प्रेम करे। सो पिछले लंबे समय तो साडे खिलाफ बहुत बंदे कई तरह का कूड़ प्रचार करते आए, सानू उन्हां गल्लां दी कोई परवाह नहीं। एक नौजवान है वरिंदर सिंह सलेमपुर का, वह चमकौर साहब की धरती तों रहिण वाला। उस नौजवान ने पहला तो एक पोस्ट पाई भी मेरे जथेदार सिंह है विक्रम सिंह वो एक हफ्ते के मैं गोली मारूगा। हूँ यह गल निजी नहीं, जथे दे विच किसी सिंह ते इल्जाम लगन का मतलब होंदा भी सिक्योरिटी रीजनस करके उस सिंह दे कोलों असी वैपन भी परे कर ले, उस सिंह नूं आइसोलेट भी किया गया। हूँ वह हफ्ता भी लंघ गया फिर उस बंदे ने डी जी पी तक यह चिट्ठी लिखी, ये गल उन्हें डी जी पी तक पहुँचाई भी भाई अमृतपाल सिंह नूं मारिया जा सकता ये सिंह दे वल्लों ते इहदी तैयारी हो चुकी है, फलां टीम उन्हें अपनी कंप्लेन दे विच दर्ज किया। वो गल भी आई गई होगी असी उन्हें इग्नोर किया। फिर जिस दिन असी दरबार साहब गए असी भाई दीप सिंह सिद्धू की अरदास बेनती लई दरबार साहब गए, उन्हां दी शहादत दा दिन सी, वह वरिंदर सिंह उत्थे मौजूद सी। वरिंदर सिंह की उत्थे मौजूदगी जिहड़ी है वह साडे जथे दे सिंघां नूं इस तरह महसूस हुई, मेरे तक यह खबर नहीं सी पहुंची भी उत्थे मौजूद है भी यह बंदा कुछ कर सकता, क्योंकि हिस्टोरिकली वह बंदा लंबे समय तो ये माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहा भी भाई साहब नूं किसी ने गोली मार देनी, आप ही मार के तो बाद किसी का ना जा विक्रम का ना जा किसी होर का ना ला दे निजी रंजिश कर। सो उन्हूं लभण की कोशिश की गई वह नहीं मिले। उस तो बाद असी घर नूं आ गए, मैं जथे समेत घर नूं आ गया। सिंह कोच उन्हें फोन किया तो उन्हें कहा भी असी अजे नाल ही हाँ उत्थे आ जाओ गलबात करनी। कुछ सिंह गए वह भी मेरी जानकारी तो बाद क्योंकि इन्हों भी यह मसला विक्रम सिंह का निजठिया जाए, भाई साहब को आना चाहता सी पर उन्होंने यह गल इन्होंने कही भी पहला तो मसला निजटा फिर भाई साहब को क्योंकि तेरे कोई एविडेंस तो है नहीं इस चीज़ का। उन्हें अगे भी मैंने एक दो मिलने की कोशिश की गई, सिंगा ने यो बेनती की भी इदा तो कोई भी बंदा किसी इल्जाम ला सकता और जो इल्जामबाजी की गल है कोई प्रूफ तो आपको पेश करना पेगा इस चीज़, तो उन्हें कोई सबूत नहीं दिता। जितों तक अजे तक का एविडेंस इनवैसटीगेशन सामने आया उन्होंने किसी ने जबरदस्ती नहीं चुकया, वो अपनी मर्जी ना आया और उहदे नाल कोई मार कटाई नहीं। और सब तो वड्डी अहम गल जिहड़ी है वह बंदा मैंटली तौर पर स्टेबल ने, पी जी आई दे विच उहदा बकायदा तौर पर इलाज चल रहा। हुण एक बंदा जिहदा पी जी आई दे विच साइकैट्रिस्ट कोलों इलाज चल रहा वह बंदे दे बयानां दे उत्ते भी मैनूं अबडक्ट किया गया, अबडक्ट करके मैनूं मारिया गया, 2000 रुपये लुट्टे गए, नॉनसेंस गल्लां, उस दे बयानां दे आधार दे उत्ते परचा दिता गया मेरे खिलाफ ते नाल पांच सिंघां दे नां छेयां दे ते नाल जिहड़ा वा 20-25 अणपछाते बंदे। कल एक घटना वापरी है, एक बुजुर्ग नूं नशा वेचण वालियां ने छलियां वांग कुट्टिया, तुहानूं सारिआं नूं पता है वीडियो बणियां ना लिया उत्थे इहो जिहीआं रेडां नहीं वजीआं, सिर्फ इस करके भी जदों अपने DSP सेखों जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया उन्होंने भी एक खुलासा किया भी इत्थे नशे का सौदागर जिहड़े ने वह DGP लैवल तक के बंदे उन्होंने चक लिया गया। सो तुसीं ये समझो भी जिहड़े नशे खिलाफ साडी लड़ाई है उन्होंने इस जिहड़ा मैंटली स्टेबल नहीं बंदा अपसैट है उहदा मोढा वरत के साडे खिलाफ साजिश की, इहदे च कुछ पंथक धिरां भी शामिल होंगे। पंथक धिरां दा शामिल होण दा इको एक मकसद सी भी उन्हां नूं ऐ लगदा भी पंथ की जिहड़ी सारी वागडोर है उन्हां दे हत्थ च होनी चाहीदी है, कोई नौजवान कोई होर संस्था पंथ की अगवाई नहीं कर सकती, इस करके ਇਹ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ
बिना कोई नोटिस दिते हुए बिना इनफॉर्म किए हुए पुलिस की नफरी आई दो नौजवानों ने चुकया गया गिरफ्तार किया गया उस नौजवान नू चुक के ते बेइंतहाशा टॉर्चर भी किया गया ये गल की पुष्टि सानू हो चुकी है हुण एक केड्डा केस सी जिस नौजवानों ने टॉर्चर करने की लोड़ पई टॉर्चर करके एक उनके कोलों ये बयान दवाउण की कोशिश की भी भाई तुसी भाई अमृतपाल सिंह दे उत्ते इल्जाम लाओ भी उन्होंने ये सारा कुछ कराया सो मैं अज प्रशासन भी कहना भी ना मैनू गिरफ्तारी का डर है ना मरण का डर है दसो कितने गिरफ्तारी देनी मैं आप आ के दे देना पर जिहड़ियां